और अब बात चुनावी चौसर की। बुरहानपुर से खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के महासचिव दुर्गेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। अर्चना चिटनिस की मौजूदगी में सदस्यता ली है उन्होंने। बीजेपी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी यहां पर मौजूद रहे। दुर्गेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में चौथा चरण अभी बाकी है। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले आप देख रहे हैं यह तस्वीर, जहां बुरहानपुर में बीजेपी का कुनबा बढ़ा है और कांग्रेस को झटका लगा है। दुर्गेश शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर प्रचार का शोर थम गया। अब डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण में मतदान में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिन 8 लोकसभा में मतदान होना है, इन संसदीय क्षेत्रों में कई विधानसभा ऐसी भी हैं जिन पर जीत या हार का फैसला इसी समुदाय की सहभागिता से होती है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। प्रदेश में करीब 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। करीब 70 से 72% मुस्लिम वोटर इंदौर और उज्जैन संभाग में हैं। ऐसे में 8 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय भूमिका निभाएगा। बात अगर प्रत्याशियों की करें तो देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5 और खंडवा में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। यानी 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो अंतिम चरण में समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो हैं ही, साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक बड़े समुदाय से जुड़े हैं। रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, पर्यटन, शिमला नदी में प्रदूषण और शिप्रा शुद्धिकरण जैसे मुद्दे हैं जो इस बार मतदाता के जहन में रहेंगे। आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला मतदाता को करना है, वो किसे अपना नेता चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के लिए रोड शो किया। सीएम के रोड शो से भारी जो है उत्साह देखने को मिला लोगों में। रोड शो के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा की गई और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब नारे लगाए। उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक मालिनी गौड़, महापौर पुष्मित्र भार्गव सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के माध्यम से खजुराहो सीट में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी दल के साथ मिलकर के पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय किया। ये निर्णय ये बताता है कि कांग्रेस अंदर से पूरी खोखली हो गई। कांग्रेस को डर लग रहा और बची बुची इंदौर वाले ने पूर्ति कर दी। आपके यहाँ तो 40 साल से कभी कांग्रेस जीती नहीं थी। जब लड़ाते थे तब हारते थे, लाखों लाखों से हारते, और अब की बार को हारने के पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो विधानसभा चुनाव लड़े तो मधु वर्मा जी ने क्या धोबी पाठ मारा, ग्राम से हार गया। ऐसा गिरा कि अभी तक धूल उड़ रही है वहां पे, सूझ नहीं पड़ रही कि हारे तो हारे कैसे। तो रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो बेहद ही खास रहा। शहीद चौक शहर सराय से शुरू हुआ रोड शो। प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रतलाम की, और रतलाम में भव्य रोड शो किया गया और प्रत्याशी को भी आप देख रहे हैं। इस रथ पर सवार प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान के लिए उनके समर्थन में प्रचार किया गया। कांग्रेस की हालत तो यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी
मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और कांग्रेस जी को समझ नहीं पड़ रही कि वो कहे तो क्या कहे। आदमी उनका भागे, मैदान वो छोड़े और गलती कह के बताए कि ये भाजपा वाले की गलती है। अरे भैया, आप अपने बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हो कि नहीं करते हो? अगर वो घर छोड़ के भागे तो गलती किसकी, माँ बाप की है कि दूसरों की है? मैं इस देश को तानाशाही से मुक्त करूंगा। अरे डूब मरो भाई, आप जमानत पे आए हो और जमानत में जो जो शर्तें लगी है, कायदे से कोई दूसरा आदमी होता तो जेल से बाहर ही नहीं आता, लेकिन ये सारे के सारे एक ही जेली के चक्कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रतलाम में रोड शो शुरू हो गया है, ऐतिहासिक रोड शो है। 50 से ज्यादा स्थानों पर इस रोड शो का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और आप देखिए किस तरह मंचों से सीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और करीब 2 किलोमीटर लंबा यह रोड शो चलेगा जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रानी जी के मंदिर पर इसका समापन होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज आज रतलाम झाबुआ संसदीय सीट के रण में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के खाचरौद में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में जनसभा की, जहां उन्होंने कहा कि अनिल भी दिल्ली जा रहा है और आपका मामा भी दिल्ली जा रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि लाडली बहन को अब लखपति बनाना है। उनको निमंत्रण दिया, आज केवल लाडली बहन तक सीमित नहीं रहेंगे, अनिल जी दिल्ली जा रहे हैं, मामा भी दिल्ली जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि लाडली बहना को लखपति बहना बना, ये शिवराज का संकल्प है, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, हमारा जीवन काय के लिए, जीवन केवल पदों पर बैठ के अहंकार से भरने के लिए नहीं है। छात्रवत वालों, मानव जीवन सफल और सार्थक करने के लिए हम राजनीति में हैं और हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तिहाड़ से बाहर निकलने के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी का नाम लिया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान जी के नाम का जाप कर रही हैं। आखिर क्यों केजरीवाल ने दिल्ली में वोटिंग से पहले हनुमान कवच पहन लिया है, इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गले में फूल माला और हाथों में प्रसाद की थाली, अरविंद केजरीवाल ने बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन किए और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। दिल्ली के चुनावी जंग में उतरने से पहले केजरीवाल ने हनुमान कवच पहन लिया है। हनुमान जी का बजरंग बाण भी राम बाण की तरह अचूक होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के जय श्री राम वाले राम बाण का सामना करने के लिए बजरंग बाण चल दिया है। मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर, उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। तिहाड़ से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को रुद्राक्ष की माला पहने हुए हनुमान जी की फोटो के साथ दिखाया गया है। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम के नारे के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा को अपना राजनीतिक अस्त्र बनाया था और अब लोकसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने रिहाई होने के दिन 2 बार अपने बयानों में हनुमान जी का जिक्र किया। पहले मैं हनुमान जी के
चरणों में वंदना करना चाहता हूं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि हनुमान जी की जय लोकतंत्र की जीत है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के दिन ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक थीम सॉन्ग यानी चुनावी गीत लॉन्च किया गया और इस चुनावी गीत में भी एक तस्वीर नजर आती है जिसमें श्री राम मंदिर लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ है अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के जवाब में आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश में लगे हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन भी अरविंद केजरीवाल की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के होने जा रहे हैं और बीजेपी में उनका बनाया नियम है कि 75 साल का होने पर नेताओं को रिटायर होना पड़ता है, इसलिए जब पीएम मोदी रिटायर होंगे तो फिर बीजेपी का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम अपने खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मोदी जी पीएम का तीसरा टर्म पूरा करेंगे, 75 की उम्र के बाद भी मोदी जी पीएम बने रहेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा धार के राजगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही धार की भोजशाला का जिक्र भी किया। बीडी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का इतिहास बना है, तो प्रधानमंत्री ने भोजशाला का उल्लेख भी कर दिया है। भोजशाला का भी जल्द निर्णायक फैसला आएगा और जल्द निर्णय होकर जनता की आवाज पूरी होगी। भव्य राम मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इतिहास बनाए, तो भोजशाला के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख कर दिया है, भोजशाला भी जल्दी ही निर्णय होकर के इस क्षेत्र की जनता की आवाज जो है वो पूरी आवाज पूरी हो। देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है, इनका इनका सिक्का खोटा और जनता से कह रहे हैं नोटा। जनता ने जवाब दे दिया है कि कोई नोटा वोटा नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में रोड शो किया और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
चुनाव प्रचार अभियान थमने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया और आखिरी सभा में बीजेपी के दिग्गज लगातार पागल चौक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर पहुंचे हैं और यहां के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, चुनाव अभियान अब थमने वाला है, आखिरी सभा में किस तरह की ताकत? आज आप देख रहे हैं कि मैं देवास लोकसभा के आगर में पहुंचा हूं और इस रोड शो के अंदर व्यापार जन समर्थन और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये साबित करता है कि देवास शाजापुर हर बूथ पर कमल खिलेगा, 29-29 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, चौथे चरण में और बढ़े, इसलिए और बढ़ेगा। चलो आगे, हम सब ताकत के साथ लगे। कार्यकर्ता बूथ पर किस तरीके तैनात रहेंगे ताकि अधिक से अधिक मतदान हो? हर बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयारी के साथ जुटे हैं और हर बूथ पर कमल खिलेगा। प्रत्येक बूथ पर 370 नए वोट बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इस बार के चुनाव में देखें तो उमंग संगारो जीतू पटवारी की साख भी दांव पर है, उनके इलाके में चुनाव है। इस बार पहले भी सुपड़ा साफ हुआ, इस बार भी होगा और भारतीय जनता पार्टी 29-29 सीटें जीतेगी। क्या लगता है कि जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की गई हाल ही में, जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का बयान आया या पहले जो पाकिस्तान परिस्थ मानसिकता के लोग हैं, जब चुनाव में हारते हैं और इनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक रहा है, तब कांग्रेस योजना से इस प्रकार के बयान देते हैं, दुर्भाग्यजनक है। देश की जनता ने तय कर लिया है मुस्लिम परिस्थ मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग और पाकिस्तान परिस्थ मानसिकता के लोगों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिक से अधिक मतदान इस चरण में होगा और बड़े कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन राजा तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं आगर। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के खाचरेत में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में जनसभा की और उन्होंने कहा कि अनिल भी दिल्ली जा रहा है और आपका मामा भी दिल्ली जा रहा है और प्रयास रहेगा कि लाडली बहनों को लखपति बनाए। मैंने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एक पार्टी रो रही थी कांग्रेस, उनको निमंत्रण दिया, आ जाओ जीवन धन्य सशक्तिकरण के लिए। खंडवा के रण में प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गजों का दम देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने शहर में रोड शो किया। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल को अनूठी स्कीम पर भरोसा है, उन्होंने कहा कि 80% मतदान जिस बूथ पर होगा वहां की टोली को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। वहीं जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां की टोली को पीएम मोदी से मिलवाने ले जाऊंगा। उधर कांग्रेस के नरेंद्र पटेल का कहना है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है, जनता का विश्वास मोदी जी पर है और अंतिम दाव भी बहुत अच्छा लगने वाला है। क्षेत्र की जनता का पूरा प्रेम आप देख सकते हैं, चेहरे लोगों में बता सकते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। चुनौतियों का क्या प्रश्न, चुनाव जीत रहे हम लोग। खंडवा लोकसभा क्षेत्र बड़ा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र किस प्रकार का है। यहाँ पर बड़े चेहरे की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं लगी उन लोगों को और कहीं ना कहीं मैं समय भी उन लोगों के पास, हमारे बड़े नेताओं के पास नहीं हो पाया और उन लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र पटेल यहाँ कांग्रेस पार्टी से जीत रहा है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं लगी। और तो भोपाल में बेटे के साथ वोटिंग करने का बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने के बाद अब हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल का फोटो सामने आया जिसमें वो मतदान करते हुए अपने पोते के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले पर एआरओ से रिपोर्ट मांगी है। मामले पर हरदा एसडीएम कुमार शानू देवड़िया ने कहा कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।